तो हम अब हेडिंग डाल रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जैसा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। तो इसकी डेफिनेशंस क्या बनेगी, ये एक तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही कंसेप्ट है, कोई अलग नहीं है, वैसा ही है। बस इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम इनऑर्गेनिक में कंसेप्ट यूज कर रहे थे, यहां पर मैंने उसको कहां लेके आ गया, ऑर्गेनिक में, और नाम चेंज कर दिया इंडक्टिव इफेक्ट। सिमिलर कंसेप्ट है और उसको थोड़ा और अच्छे से समझा दिया, एक्सपांशन कर दिया, न्यू वर्जन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस तरह से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले पॉइंट, इसके पॉइंट्स लिखते जाओ आप। फर्स्ट, इट इज ए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, मेंट इफेक्ट। सेकेंड, इसी के अंदर, इन विच इलेक्ट्रॉन मूव या डिस्प्लेस्ड फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव साइट टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइट। सेकेंड पॉइंट जो मुझे इसका लग रहा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। इन दिस इफेक्ट, लिखते जाओ, इन दिस इफेक्ट ओनली सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर डिस्प्लेस्ड। थर्ड पॉइंट, चलो माना मैंने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन वो अब उसी बॉन्ड के अंदर है, बॉन्ड नहीं टूट रहा है। तो इन दिस इफेक्ट ऑर्बिटल जो है, जैसे ऑब्वियसली बॉन्ड किसकी वजह से बनता है, और शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल, तो शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल की वजह से जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में रहता है, बस अंतर ये कि वो बीच में ना रह के साइड में आता है। तो क्या इसमें बॉन्ड ब्रेक होता है, नहीं, तो सिर्फ सेम ऑर्बिट में रहता है, यानी कि इन दिस इफेक्ट। नेक्स्ट, इन दिस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन नॉट चेंज इज इट्स ऑर्बिटल, सो सिग्मा बॉन्ड नॉट डिसोशिएट। नॉट डिसोशिएट एंड नेक्स्ट एंड सिग्मा बॉन्ड ही अगर डिसोशिएट नहीं होगा, कोई भी सिग्मा बॉन्ड कभी नहीं डिसोशिएट होगा, तो पोजीशन ऑफ एटम्स क्या रहेगी, रिमेन सेम, एंड सो दैट पोजीशंस ऑफ एटम्स रिमेन सेम। तो जो हमने पढ़ा है पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स, इसको लेते हुए हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। मैंने लिया कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन की तीन वैलेंसी लिए, चार वैलेंसी लिए, एक दो तीन चार, और नाइट्रोजन की तीन है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की, तो बीच में नहीं होके ये कहाँ हो रहा है, टूवर्ड्स नाइट्रोजन। तो इसकी वजह से कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, कार्बन पर आएगा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, और नाइट्रोजन पे आएगा माइनस डेल्टा, डिस्प्लेस हो गया।
लेकिन ना तो सिग्मा बॉन्ड टूटा ना कोई पाई बॉन्ड टूटेगा, सही है। तो बस सिंपल इफेक्ट है, कोई ज्यादा खास दिक्कत नहीं है, रिलेटिव भी है। अगर यही नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता, ऑक्सीजन की दो वैलेंसी होती है, नाइट्रोजन की तीन, तो इफेक्ट की वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाता, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की तरफ से, तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आता और ऑक्सीजन पे माइनस डेल्टा, पक्का। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट थर्ड फोर्थ पॉइंट, आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में है की वजह से मूवमेंट हुआ है, तो बहुत ज्यादा मूवमेंट हुआ है क्या इलेक्ट्रॉन का? नहीं, क्यों? क्योंकि होना चाहिए था बीच में और हो गया थोड़ा सा इस तरफ, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। तो क्या ये बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है तो बहुत बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा क्या? नहीं। तो ये पॉइंट भी लिखना पड़ेगा हमें, इंडक्टिव इफेक्ट इज लेस डोमिनेटिंग इफेक्ट, लेस डोमिनेटिंग, इससे बड़े भी इफेक्ट होंगे इफेक्ट, बिकॉज इन दिस इफेक्ट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस, बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं करेगा, बहुत ज्यादा मूवमेंट है नहीं। लेकिन कहते हैं ना कुछ ना से कुछ सही, वो वाली चीज सही है यहां पर, कुछ ना से कुछ सही, कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा हो तो हम इसी के भरोसे रहते हैं। तो ये हमारे लिए फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट्स बनते जा रहे हैं, आ रही है बात समझ में। इट इज अ रिलेटिव इफेक्ट, आपने पढ़ी रखा है, इट इज ए रिलेटिव इफेक्ट, रिलेटिव इफेक्ट्स। तो यानी ये बहुत रेस्पेक्ट वाला फंक्शन है, कौन किससे ज्यादा है। कभी नाइट्रोजन पे इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से माइनस था, कभी प्लस है, समझ में आ रही है बात। तो रिलेटिव इफेक्ट है, डिपेंड्स ऑन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, depends on difference of electronegativity, difference of electronegativity। यानी relative effect भी है और इस बात पे भी depend करेगा कि difference of electronegativity कितना है। For example, मान लीजिए ये कार्बन है मेरे पास जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है जो फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। कार्बन की आपने कितनी वैलेंसी लगा रखी है? चार। नाइट्रोजन की तीन, एक ऑलरेडी है, ऑक्सीजन की दो और फ्लोरीन की एक, सही है। कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो फिक्स है 2.4, लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन, तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कहां देखने को मिलेगा? फ्लोरीन में। तो आप मुझे बता सकते हैं, यहां तो 2.4 है, ये 4, 2.4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख रहा हूं, 3.5, 2.4 और ये 3.0, तो डेल्टा ई एन कितना है यहां पर? 0.6। कितना है? 0.9, ज्यादा है 1.1, और कितना डिफरेंस है यहां पर चार में? 1.6। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए यहां पर प्लस डेल्टा वन है, यहां प्लस डेल्टा टू है, यहां प्लस डेल्टा थ्री है, ऑब्वियसली यहां डेल्टा होगा तो यहां पर माइनस डेल्टा होगा, एक तरफ प्लस तो एक तरफ माइनस होता है। तो आप मुझे बताइए डेल्टा वन से ज्यादा डेल्टा टू होगा या नहीं होगा?
और डेल्टा 3 उससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो रहा है तो इंडक्टिव इफेक्ट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं यही बोल रहा हूँ, ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं करता, दूसरे इफेक्ट बड़े होते हैं, छोटा चूहा, बड़ा चूहा और बड़ा चूहा, समझना। लेकिन चूहा कितना ही बड़ा हो, हाथी से तो छोटा ही होता है। इज दैट क्लियर? यानी अगर कोई दूसरा इफेक्ट लग रहा हो जो हाथी का बच्चा ही हो उसके लेवल पे, तो लेकिन फिर भी वो इससे तो बड़ा होगा, तो इसको तो हम तभी कंसिडर करेंगे जब कोई और इफेक्ट ना लग रहा हो। और दूसरा, इनको आपस में हम रिलेट कैसे करें, बस, तो दोनों में कोई और इफेक्ट नहीं लग रहा हो। नेक्स्ट, इट इज द एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव का मतलब एक से दूसरे पे जाना, ठीक है ना भाई। आज मैं बहुत खुश हूं तो मेरे परिवार वाले भी मेरे को देख के खुश होंगे ही होंगे, दुखी हो तो दुखी हो जाते, तो एडिटिव है, यानी एक से दूसरे की तरफ को देख के चेंज होना। तो एक और पॉइंट बन रहा है, कौन से नंबर का पॉइंट है हमारा, जल्दी बताओ, 6। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव, एडिटिव इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये कार्बन है और यहां ऑक्सीजन जुड़ गया OH, समझ में आ रही है? इसकी वजह से कार्बन की ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन और कार्बन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो ऑक्सीजन की वजह से कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस डेल्टा 1 चार्ज, मान लीजिए ऑक्सीजन में माइनस डेल्टा 1। अब इसके ऊपर डेल्टा 1 चार्ज आएगा तो ये इसके इसके इससे क्या करेगा, ये तो न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ेगी कि भैया मेरे घर में चोरी हुई है, अब मैं तेरे घर में चोरी करूंगा। अजीब सा है लेकिन ऐसा ही कुछ होने देखने को मिलेगा कि यहां प्लस डेल्टा है तो ये अब इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसने तो बहुत सारे खींचे थे, अब ये थोड़ा कम खींचेगा, तो इसके ऊपर डेल्टा 2 चार्ज आएगा प्लस में, ये इसके पास वाले से खींचेगा, इसके ऊपर कितना होगा, डेल्टा 3 चार्ज मान लीजिए। तो अब इसके बाद ऑलमोस्ट जीरो सा हो जाता है, ठीक है ना। इट इज द इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इफेक्ट, बट आफ्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन इट कैन बी नेग्लिजिबल, या हम ये मान लेते हैं वी कैन एज्यूम नेग्लिजिबल। तो बट आफ्टर थर्ड कार्बन वी कैन एज्यूम इट इज नेग्लिजिबल। तो ठीक है, पहले कार्बन पे इसका रोल बहुत रहेगा, उसके बाद थोड़ा कम और उसके बाद बहुत कम, और यही कारण है कि डेल्टा 3 से ज़्यादा डेल्टा 2, डेल्टा 2 से ज़्यादा डेल्टा 1, पहले ही बहुत छोटा इफेक्ट है, उसके बाद भी दूसरे पे लगाएगा और तीसरे पे लगाएगा और फिर उसके बाद कम होता चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारे लिए एडिटिव इफेक्ट का एक पॉइंट भी हमारे को लिखना था 7th नंबर पे। इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, ऑफ एटम हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली परसेंटेज एज करेक्टर को बताएगा, और जब एस करेक्टर को बताएगा तो एस करेक्टर के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होगी तो इंडक्टिव का भी फर्क पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आपके पास एक नॉर्मल कार्बन है और एक sp2 कार्बन है, ये डबल बॉन्ड हो गए, तो बताइए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, sp2 हाइब्रिडाइज या sp3? sp2। तो यहां पर जो मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो इस तरफ होगा, और इसकी वजह से यहां पर प्लस डेल्टा और यहां पर क्या चार्ज आएगा, माइनस डेल्टा, बोलो यस और नो।
लेकिन यही कार्बन sp2 अगर sp3 के साथ होगा, अब बताइए इस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 और इस पे कौन सा है sp, तो अब मूवमेंट sp की तरफ होगा और इसके ऊपर प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, यानी रिलेटिव तो है ही, और रिलेटिव होने की वजह से जो ज्यादा ताकतवर होगा उसकी तरफ मूवमेंट हो जाएगा, तो कभी s माइनस है डेल्टा चार्ज तो कभी sp2 पे प्लस डेल्टा भी आ रहा है। समझ में आ रहा है? एट्थ पॉइंट, इसी के अंदर एक एग्जांपल और बढ़ा देते हैं हम। ये मैंने एक तरह से बेंजीन रिंग वाली कल्पना करा कि बेंजीन है और एक ये है। आप बताइए इस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, बोलो सही है। इस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, मान लीजिए इस पे sp2, और बाद में हर जगह इस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और यहां पर भी CH3 है sp3। इसमें भिड़ते ही पहले पे sp2, इसमें भी sp2, इसमें सेकंड भी sp2, इसमें सेकंड भी sp2, थर्ड भी sp2, फोर्थ भी sp2, उसके बाद फाइव भी sp2, तो थ्रू आउट कंटिन्यू sp2 है। लेकिन इसमें थ्रू आउट कंटिन्यू sp2 है क्या? नहीं। तो इफेक्ट पड़ता है उसका भी कि आगे क्या है, उसके आगे यानी उसके सॉरी पीछे बोला जाए तो ज्यादा सही रहेगा, उसके पीछे क्या है, कौन सा कार्बन है। तो आप देख लीजिए क्योंकि थ्रू आउट इसके अंदर sp2 है जबकि इसके अंदर थ्रू आउट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ होगा, इस तरफ, और इस कारण इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस डेल्टा, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस डेल्टा। समझ में आ रही है? तो इसका भी इफेक्ट हो रहा है कि आपके पास sp2 तो है लेकिन थ्रू आउट है या नहीं है, तो आप लिख सकते हैं थ्रू आउट sp2 कार्बन, थ्रू आउट sp2 कार्बन, बस इसका, और नॉट थ्रू आउट sp2 कार्बन। लेकिन अगर यहां पर बिड़ते ही sp आ गया और यहां थ्रू आउट है तो भी कोई फर्क नहीं है क्योंकि पहला कार्बन ही बहुत पावरफुल है, उसे जरूरत ही नहीं है कि थ्रू आउट हो या ना हो। तो उस कंडीशन में आप मुझे बता सकते हैं कि मूवमेंट कहां होगा, इस तरफ sp कार्बन sp2, थ्रू आउट sp2 हो उसे अब फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे माइनस डेल्टा और इस पे प्लस डेल्टा। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। मुझसे एक डिस्कशन किया गया कि सर अगर ऐसा हो, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कंपेयर आया कि अगर ऐसा हो कि हमारा कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो, ये लीजिए, और नाइट्रोजन नॉर्मल हो, समझ में आ रहा है, तो कौन जीतेगा? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.0। यहां sp हाइब्रिडाइज आने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी क्या हो गई, बढ़ गई, और बढ़कर कहां पहुंच गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लमसम 3.2 के आसपास, तो कार्बन पे ज्यादा आ जाएगा। लेकिन ये होते ही हमारे पास ये आ गया, सर हम कैसे पता लगाएंगे, तो आपको याद ही रखना पड़ेगा इस जगह कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉर्मल नाइट्रोजन से ज्यादा है। लेकिन अगर नाइट्रोजन पे भी sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो कौन जीत जाएगा, फिर तो नाइट्रोजन ही जीतेगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है? बस, तो ये तो तब है जब नाइट्रोजन पे तो है sp3 हाइब्रिडाइजेशंस और इस पे है sp। अगर ये sp2 होता तो भी नहीं जीत पाता, कब जीत रहा है, जब ये खुद sp है और सामने वाला sp3 है। समझ में आया? यानी
इसके अंदर हमें यह भी समझना पड़ेगा कि यार ये ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, पॉइंट्स बहुत सारे हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हो गए। ये अच्छा एग्जाम्पल था, ये भी अच्छा एग्जाम्पल था समझाने के लिए। अब कुछ और पॉइंट्स, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। चार्ज तो खैर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में देखा जाए, चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो ये तो इसके लिए पॉइंट हो गया, कौन सा नंबर का हो गया, एट्थ। चार्ज ऑलवेज कंजर्व क्वांटिटी, जितना पॉजिटिव चार्ज सामने वाले पे जनरेट होगा उतना ही माइनस चार्ज खुद पर होगा। एट्थ, नाइन्थ, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं सिग्मा पॉइंट नहीं हो रहा, यानी कि पोजीशन ऑफ एटम्स रिमेन्स सेम। लिख चुके हो आप, नहीं लिखा है दोबारा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। पोजीशन ऑफ एटम्स रिमेन्स सेम, चार्ज कंजर्व, पोजीशन ऑफ एटम सेम। और हमारे पास ये हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ध्यान रखना पोजीशन ऑफ एटम्स कभी भी चेंज नहीं होगी, ऑफ एटम्स रिमेन्स सेम। एक और पॉइंट मेरे पास है, साइड एटम का भी इफेक्ट होगा, समझना। मैं बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं हूं, लेकिन फिर मैं कह दूं सामने वाले से, तू मोदी को जानता है, तो अलग ही इफेक्ट हो जाता है यार। मैं उसका खास आदमी हूँ, मोदी जी का खास आदमी हूँ, यार भाई ये तो बहुत बड़ा पावरफुल है, सेंटर तक इसकी जान पहचान है, तो फर्क पड़ता है उसका। तो साइड एटम भी इफेक्ट डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइड एटम जनरेट इफेक्ट, इफेक्ट ऑन इंडक्टिव। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कार्बन है, ये भी मेरे पास कार्बन है, इसके पड़ोसी है हाइड्रोजन, 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 इसके पड़ोसी है फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। तो अब बताइए इन दोनों में मूवमेंट कहाँ होगा, इस तरफ पूरा, समझ में आ रहा है। तो अगर हम इस वाले पोर्शन को देखते हैं, वो और बात है कि इससे होते हुए वो चार्ज उधर ट्रांसफर हो जाएगा फ्लोरीन पे, लेकिन अगर इसको देखते हैं तो इस पूरे स्पीशीज पे प्लस डेल्टा और इस पे पूरे पे क्या चार्ज आएगा, माइनस डेल्टा। तो साइड एटम्स का भी इफेक्ट होता है। तो ये हमारे लिए एक और पॉइंट हो गया जो हमें ऐड करना है। नेक्स्ट, पक्का, तो आपको शुरू से ही मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से बता दिया कि किस तरह से हो रहा है। इस इफेक्ट के लिए मॉलिक्यूल का प्लेनर होना या नहीं होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सिग्मा है, बॉन्डिंग इफेक्ट है, उससे मॉलिक्यूल इफेक्ट नहीं बोल के ये हमारे लिए क्या हो रहा है, एक तरह से मॉलिक्यूल इफेक्ट है, वो बॉन्ड इफेक्ट है, यानी बॉन्ड में ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है। उसको इफेक्ट भले ही सारे चीजों की वजह से उसमें हो रहा हो, लेकिन दिखाई कहां देगा आपको, बॉन्ड में दिखाई आपको बॉन्ड में रहेगा। तो ये बॉन्ड इफेक्ट है और बॉन्ड में ही दिखाई दे रहा है आपको। तो ये आपको कोई पॉइंट सारे क्लियर हो गए अच्छे से, कोई ऐसी पॉइंट जो आपको अभी भी नहीं समझ में आ रही है पूछो आराम से, देख लो आप, क्योंकि मैं अगला इफेक्ट डालने वाला हूं इसी के अंदर, फैक्टर कौन से होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, और फिर हम एप्लीकेशन पे आएंगे इसकी। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं अच्छे से, चलो ठीक भाई। हमने इंडक्टिव इफेक्ट अभी तक यही देखा है कि इंडक्टिव इफेक्ट में किस इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सेम ऑर्बिटल में, तो एक देने वाला होगा और एक लेने वाला होगा, ये बात तो क्लियर है। तो जो डोनर है, जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, उसे हम नाम देंगे अब प्लस आई, और जो खींचने वाला ग्रुप है उसे बोलेंगे माइनस आई। तो इंडक्टिव इफेक्ट का क्लासिफिकेशन, तो हेडिंग डालेंगे
क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, हमने क्या करा, एक रेफरेंस पॉइंट बना दिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रेफरेंस में यानी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जो भी हैं, जो देने की टेंडेंसी रख रहे हैं, वो हो गए हमारे लिए डोनर एटम, डोनर इंडक्टिव यानी प्लस आई। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होगी, कम होगी। और जिनकी ज्यादा है वो हो गए एक्सेप्टर, खींचने वाले, और उसे हमने नाम दिया माइनस आई इफेक्ट। तो एक रेफरेंस पॉइंट की हमेशा जरूरत होती है, और हमने वो ले लिया कौन, हाइड्रोजन। तो लिख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में हमारे लिए हम आएगा एक तो प्लस आई और एक हो जाएगा हमारे लिए माइनस आई। तो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, इनकी डेफिनेशन क्या होगी, प्लस आई की क्या डेफिनेशन लग रही है आपको, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप प्लस ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। डोनेट इफेक्ट, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इफेक्ट ड्यू टू इंडक्टिव कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट एंड ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन कॉल्ड प्लस आई ग्रुप। समझ में आ गई बात। दूसरी तरफ ये तो हो गया डोनेट वाला पॉइंट, समझ में आ रहा है। एक हो गया एक्सेप्टर करने वाला यानी खींचने वाला, यानी एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, आप गेन भी लिख सकते हैं ड्यू टू इंडक्टिव कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट एंड ग्रुप विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कॉल्ड माइनस आई ग्रुप। तो क्या हर एक इलेक्ट्रॉन के देने, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बराबर होगी, नहीं, किसी की ज्यादा होगी किसी की कम होगी। तो हम यहां पर पढ़ेंगे ऑर्डर नेक्स्ट इसी के अंदर, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई इफेक्ट। आप बताइए किसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उसकी जिसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है या उसकी जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। भाई पैसा तो वही डोनेट कर सकता है ना जो उसके पास पैसा हो, राजा ही तो दान कर सकता है, भिखारी तो ही ना दान करेगा। तो राजा का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन जिसके पास हो तो उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, या तो वो न्यूट्रल होगा या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा। तो अगर मुझे दो चीजें मिलती है, एक जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एक जिसके ऊपर प्लस चार्ज है और एक जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो कौन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की होगी, जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, फिर न्यूट्रल आएगा और फिर प्लस आएगा। प्लस तो बल्कि देगा क्या, वो तो और खींचेगा। समझ में आ रही है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कार्बन CH3 माइनस,
कार्बन माइनस होने के साथ, एक मिनट आप खुद बताओ, कार्बन पे माइनस चार्ज आता है तो उसकी कितनी वैलेंसी होती है? तीन, तीन बॉन्ड पेयर होते हैं, मैंने बताया आपको। तो दो तो हाइड्रोजन से जुड़ गए और एक किसी से जुड़ने के लिए तैयार है, ये फ्री बता रहा है किसी से जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है? तो बताइए कार्बन माइनस की वैलेंसी कितनी होती है? तीन। नाइट्रोजन माइनस की दो, नाइट्रोजन माइनस ऑक्सीजन बन जाता है, और ऑक्सीजन माइनस की एक। तो अगर आप कार्बन पे माइनस देख रहे हो और एक नाइट्रोजन पे माइनस देख रहे हो तो NH माइनस लिख रहोगे, क्योंकि एक तो वैलेंसी यहाँ अटैच है, एक हाइड्रोजन पे जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन बना हुआ है। फिर उसके बाद कौन आएगा? O माइनस। O माइनस की सिर्फ एक ही वैलेंसी होगी, वो फ्लोरीन हो जाएगा। तो मैंने कार्बन की ज्यादा क्यों मानी है? क्योंकि कार्बन सब पे नेगेटिव चार्ज सेम है, लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो देने की टेंडेंसी क्या होगी? सबसे ज्यादा। तो ये तो हो गए एनायन। एनायन के बाद कौन आएंगे? न्यूट्रल। एनायन के बाद कौन आएंगे? न्यूट्रल। तो जब न्यूट्रल आएंगे तो हम न्यूट्रल को रेस्पेक्ट करेंगे देने के लिए, किस रेस्पेक्ट में? दिस। तो हमारे पास आ जाएगा ओ माइनस, ओ माइनस के बाद आ जाएगा सी डबल ओ माइनस, सी डबल ओ माइनस, यानी O माइनस और C डबल O माइनस में किसकी ज्यादा होगी? O माइनस की देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। आगे समझ में आ रही है बात? फिर न्यूट्रल की तरफ हम जाते हैं, न्यूट्रल की तरफ हम जाते हैं तो हम इस कार्बन को देखते हैं, इसकी देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि तीन तीन कार्बन जुड़े हुए हैं, उनसे लेगा और खुद दे देगा, सी एच थ्री, थ्री डिग्री कार्बन बोलते हैं इसको, थ्री डिग्री कार्बन, इसकी देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। फिर आएगा टू डिग्री कार्बन, ये दो से लेके सामने वाले को देगा, वो तीन से लेके दे रहा था और ये दो से लेके दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास आएगा। फिर आएगी इसकी, ये कौन सा है? टू डिग्री कार्बन। कैसे बता रहे हैं टू डिग्री? मैं पहले ही बता चुका हूं, वो कार्बन टू डिग्री होगा जो दो से जुड़ा हुआ है, पक्का। लेकिन अभी ये पता है क्या कहलाएगा? टू डिग्री कार्बन ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि जब ये अटैच हो चुका होगा किसी के साथ तो अपने आप में क्या बन जाएगा? ये थ्री डिग्री। तो टू डिग्री कार्बन ग्रुप, थ्री डिग्री कार्बन ग्रुप, ग्रुप है अभी तो, ये ग्रुप की तरह ट्रीट कर रहे हैं, पक्का। ये क्या हो जाएगा आपके लिए? वन डिग्री। और उसके बाद कौन आएगा? और भी, इसको भी हम वन डिग्री ही बोलते हैं। और उसके बाद आएगा आपके पास हाइड्रोजन, सही है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में सबसे पहले, सबसे ज्यादा देने की टेंडेंसी होती है ट्रिटियम की, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, फिर ड्यूटेरियम की, और उससे भी कम होती है फिर हाइड्रोजन की। ऐसा क्यों भाई? वाई ट्रिटियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ट्रिटियम इज लेस देन दिस। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भी आप इसी में बता सकते हैं, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम। हाइड्रोजन को अपन यहां पर क्या बोलते हैं? प्रोटोनियम। क्या बोलते हैं? प्रोटोनियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम, वन वन वन, वन टू थ्री, समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन है? जीरो। प्रोटोनियम में कितने न्यूट्रॉन है? जीरो, फिर वन, फिर टू न्यूट्रॉन। और जैसे जैसे न्यूट्रॉन बढ़ेंगे, प्रोटोन तो सब में एक ही है, न्यूट्रॉन कितने है इसमें? जीरो, एक, दो। तो न्यूट्रॉन बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका, समझना, न्यूक्लियस साइज बढ़ेगा। न्यूक्लियस साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी, जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? चेंज होगी। और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी चेंज होगी तो उसकी अट्रैक्शन पावर भी क्या होगी? चेंज होगी। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, इसकी ज्यादा होगी तो
तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ही तो अपने आप में अट्रैक्शन करने में काम आती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी इसकी ज्यादा होगी, तो सबसे कम किसकी होगी? ट्रिटियम की। तो कहीं ना कहीं आप समझा सकते हो कि ट्रिटियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? प्रोटोनियम से ज्यादा ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम से ज्यादा ट्रिटियम। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी? बहुत ज्यादा, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा। सही है, लिखो। अब हम अगला पॉइंट ले रहे हैं माइनस आई ऑर्डर, इसके नीचे। तो माइनस आई ऑर्डर हमारे लिए क्या रहेगा? हमने प्लस आई ऑर्डर तो कर लिया, माइनस आई ऑर्डर यानी हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई ऑर्डर, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई ऑर्डर करें इसको, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई ऑर्डर। आप मेरी मदद करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई ऑर्डर के लिए, बहुत इजी वे में शुरू करें। सबसे ज्यादा कौन खींचने की कोशिश करेगा? जिसके ऊपर खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया नाइट्रोजन और लिख दिया पॉजिटिव। अब लिखो नाइट्रोजन पॉजिटिव हो रहा है और क्या बन गया अभी ये कार्बन, कितनी वैलेंसी है? चार। तो मान लीजिए ये हमारे पास नाइट्रोजन पॉजिटिव, चार वैलेंसी, एक तो अभी ग्रुप बनाने के लिए फ्री पड़ी हुई है और बाकी के तीन से हमने फ्लोरीन जोड़ दिया, तो बहुत ज्यादा होगा या सुनो, तो इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपने फ्लोरीन की जगह कार्बन जोड़ दिया होता, कार्बन को मैं आर ग्रुप भी लिख देता हूं, आर 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 और फिर प्लस लगा देता, तो ये उससे कम होगा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन और कम करेगा यहां पर कहीं ना कहीं, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव ये, फिर ये, फिर ये। इज दैट क्लियर? तो ये तो हमारे पास रहा बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि हम किस तरह से इसको देख रहे हैं। NO2, आप खुद सोचो NO2 में कौन सा नाइट्रोजन है? sp2 हाइब्रिड, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2। NO2 इतना ज्यादा है कि न्यूट्रल के अंदर हम ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा NO2 को ही रखते हैं, फिर SO3H रखते हैं इंडक्टिव में माइनस आई इफेक्ट में, फिर हम रखेंगे SO3H के बाद CN, CN यानी साइनो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, फिर हमारे लिए रहेगा CHO ग्रुप, फिर रहेगा हमारे लिए COOH ग्रुप, COOH ग्रुप, और फिर आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी अगर हमसे कोई कहे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन नॉर्मली हम NO2 से कम रखें क्योंकि उसमें sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है, बहुत ज्यादा है। तो ये हमारे लिए हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर उसके बाद नॉर्मल हमारे लिए आएगा OR, फिर OH, OR, OH, यानी OH बहुत बाद में आ रहा है, ध्यान से सुननेगा। फिर OH के बाद आता है नॉर्मल NH2, फिर उसके बाद आएगा NH2, नॉर्मल वाला NH2। समझ में आ रही है बात? ये हमने एक चीज रखी, इसके अलावा हमने पहले भी कंपेयर कर चुके थे सी सी एच, फिर फिनाइल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड कार्बन और उसके बाद सिंगल आर, ये हम पढ़ चुके थे। सही है, माइनस आई ऑर्डर। तो ये हमारे पास और बहुत सारी चीजें एक साथ होती जा रही है। माइनस आई का जो ऑर्डर होगा उसका अपोजिट प्लस आर हो जाता है, प्लस आई हो जाता है, तो ये इन्वर्स चलते हैं। अरे ये बात कोई अच्छे से समझने में, तो ये हमने अच्छे से डिस्कशंस कर लिया है कि कौन क्या है। तो मैं आपसे फिर जानना चाहता हूँ सी एच ओ
और NO2 में कौन ज्यादा होगा? NO2। और CHO और OR में कौन होगा? CHO। CHO और फ्लोरीन में कौन होगा? CHO। CHO और COOH में कौन ज्यादा माइनस आई है? CHO। तो एक बार दिमाग में अच्छे से बैठा लो, CN की भी बहुत अच्छी पोजीशन है थर्ड नंबर, यानी NO2 के बाद SO3H तो देखने को कम मिलेगा, फिर क्या दिखेगा? CN। CN और CHO में CN, याद रह जाएंगे कुछ पॉइंट्स। चलो लिख लें इसको। हाँ, CO C डबल बॉन्ड O R, और आप क्या ले रहे हैं? CHO। समझ रहे हैं? यही है हमारे लिए। तो हम बहुत इजी है यार, R के रेस्पेक्ट में R की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, थोड़ा खींचने की कोशिश करेगा तो कीटोन ज्यादा माइनस आई दिखेगा एज कंपेयर टू एल्डिहाइड के। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो बता रहे हैं कि आपको बताना है, जिसमें बताना है आपको कि प्लस आई ऑर्डर क्या होगा। सही है, तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं आंसर। देखिए ये जो हमने इस तरह का मार्क किया है, ये बता रहा है इस तरफ से ग्रुप जुड़ रहा है, अटैच हो रहा है, ठीक है ना, यानी फ्री वैलेंसी बता रहा है। तो आप ही मेरे को बताएं, जब ये यहां से जुड़ रहा है इस तरह से दिख रहा है आपको, तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका दिखेगा? CH3 ग्रुप अपने आप में प्लस आई ग्रुप शो करता है, यस और नो? तो आपको क्या दिखाई देगा सबसे ज्यादा, कौन दिखाई देगा? ए, फिर बी और फिर सी। समझ में आ रहा है? क्योंकि ए के पास सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप है, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, ऐसा हमने पढ़ा है। दूसरा सी, दूसरे के अंदर जब आप देख रहे हैं तो CHO ग्रुप, OH और OR, ये वो ग्रुप है जो माइनस आई है, तो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा प्लस आई उतना ही क्या होगा? कम होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा माइनस आई ग्रुप कौन है? CHO। तो इसका मतलब ए की वैल्यू यहां सबसे क्या होगी? कम। OH और OR में कौन ज्यादा माइनस आई है? OR। तो इसका मतलब सी जाएगा, और सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होगा इसमें? 10। यानी माइनस आई वाले ग्रुप दे रखे हैं तो उसका अपोजिट प्लस आई वाले ग्रुप होते हैं। किसी को दिक्कत फर्स्ट और सेकंड में? सबका यही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं NH2F और NO2। यहां पर भी हमें ऐसे ग्रुप दिए हैं जो माइनस आई के हैं, तो माइनस आई सबसे ज्यादा किसका है? NO2 का। NO2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा माइनस आई रखता है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब सी। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद अगर हम बात करते फ्लोरीन और NH2 में कौन ज्यादा अच्छा रखेगा, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और दोनों पे ही कोई अलग से हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, sp3 ही हम बोल रहे हैं। तो इसका मतलब फिर कौन जाएगा? बी, और फिर कौन जाएगा? ए। इज दैट क्लियर? फिर हम बात करते हैं ये वाली वैलेंसी हमारे पास का है, CH3 ग्रुप है हमारे पास जो सब जिसकी पोजीशन अलग अलग जगह है, और ये फ्री वैलेंसी है, कलर चेंज करके मैंने फ्री वैलेंसी बताया है। अगर मैं कलर नहीं चेंज करता तो आपको ऐसा लगता वो भी मिथाइल ग्रुप है, इसलिए मैंने अलग से कलर चेंज किया है। तो यहां देखिए प्लस आई ग्रुप बहुत दूर है, एल्काइल ग्रुप अपने आप में क्या होता है? प्लस आई। यहां थोड़ा पास आया, सबसे ज्यादा पास है, और यहां पर बीच में है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू सबसे कम होगी क्योंकि प्लस आई ग्रुप बहुत दूर है। प्लस आई ग्रुप जितना पास हो नेट कंपाउंड भी उतना ही प्लस आई देगा। अगेन रिपीट, प्लस आई कौन है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जितना पास हो उतना अच्छा, तो ये तो बहुत दूर है। फिर उसके बाद कौन आएगा? सी, और सबसे बाद में कौन आएगा? बी। यानी बी के लिए सबसे ज्यादा पास है, इसका मतलब उसका प्लस आई इफेक्ट क्या होगा? सबसे ज्यादा। समझ में आ रहा है? यहां पर कौन सा ग्रुप है जिसकी पोजीशन चेंज हो रही है? वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन अपने आप में प्लस है या माइनस है? माइनस है। फ्लोरीन अपने आप में माइनस है रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, देखते हैं अपन, ठीक है? तो आप मेरे को बताइए माइनस ग्रुप जितना दूर हो उतना अच्छा। समझ में आ रहा है? जितना दूर हो उतना अच्छा, और प्लस ग्रुप जितना पास हो उतना अच्छा, किसके लिए? प्लस आई ऑर्डर के लिए, हम प्लस आई ऑर्डर कर रहे हैं। तो जितना दूर हो उतना अच्छा, यानी सबसे ज्यादा कौन होगा? सी, फिर बी, और ए में फ्लोरीन बहुत पास आ गया, उसी कार्बन से अटैच है जिसपे फ्री वैलेंसी है। फ्री वैलेंसी दिखाई दे रही है आपको? ये वाला फ्री वैलेंसी है। फिर देख लीजिए आंसर, यहां हमारे पास
कैसे बोले, यहां सीएससी ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है। सीएससी ग्रुप अपने आप में, ध्यान से देखिएगा, सीएससी ग्रुप अपने आप में कैसा है, एल्काइल ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, और जितना पास हो उतना अच्छा। प्लस आई ग्रुप जितना पास हो उतना अच्छा, किसके लिए, प्लस आई ऑर्डर के लिए। तो आपके लिए सबसे ज्यादा कौन होगा, सी, फिर बी और फिर ए। देखिए प्लस आई यहां हमें एनायन में देखना है, ठीक है, और एनायन में जब मेरे को देखना है तो सभी पे नेगेटिव चार्ज बराबर आ रहा है, ठीक है। यदि किसी पे माइनस टू आता तो हमें उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होती, लेकिन अब क्योंकि ये वाला फैक्टर सब में बराबर है तो यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज संभालने की एबिलिटी भी सबसे कम होगी, वो आराम से अपना एनायन नेगेटिव चार्ज देगा आपको, देगा या नहीं देगा, देगा। सी, फिर आएगा बी और फिर आएगा आपके पास ए, सही है। आइसोटॉप के केस में, यहां लास्ट एग्जांपल में टिट्रियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है ना, तो टिट्रियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो उसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, और इसी वजह से मैं यहां आंसर जो बोलना चाहूंगा वो होगा सबसे ज्यादा सी, फिर बी और फिर ए। कहीं कोई दिक्कत, अच्छे समझ में आ गया? सारे क्वेश्चन किसने सही करे, हाथ खड़ा करो, गलत किया कुछ? फिफ्थ वाला, ठीक है। एक और बार कर रहे हैं टेस्ट, अब सबके सही आने चाहिए, ठीक है, लिखें इसको पहले। तो देखिए कुछ और एग्जाम्पल है जो हमारे रिलेटेड है किससे, माइनस आई से, यानी हमें माइनस आई ऑर्डर देखना है और ये बताना है इनमें कौन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट सबसे ज्यादा किसका होगा, यहाँ पर सोच के बताएं आंसर जल्दी से, ए बी सी में, सी का। मैंने आपको पहले भी बोला है, क्या बोला है मैंने, कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में एनओ टू सबसे ज्यादा माइनस आई रखता है, रखता है या नहीं रखता, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमारे पास है ए और बी, बताओ सी डबल ओ एच और सी एच ओ में कौन ज्यादा होता है, सी सी एच ओ, हमने अच्छे से याद है, तो इसका मतलब माइनस आई का हम पढ़ रहे हैं, तो ए और फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा, बी। सी एन और सी एच और पी एच में सबसे ज्यादा किसका होगा, माइनस आई, ए का, फिर इन दोनों में बी का और फिर पी एच का, क्योंकि इसमें एस, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, एस पी टू, कंटिन्यू एस पी टू, इसमें एस पी और इसमें एस पी विद नाइट्रोजन, तो ये सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कर जाएगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एसपी हाइब्रिडाइजेशन भी आएगा, इज दैट क्लियर। तो नाइट्रोजन की वजह से ये इससे भी ज्यादा है, ठीक है, नॉर्मल एल्काइन। पीएच बिल्कुल एक एल्कीन और एक सीएससी, पीएच में कंटिन्यू एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन है, उसका उसको बेनिफिट मिलेगा, इसलिए आंसर जो जाएगा इसका वो ए का सबसे ज्यादा, फिर बी का और फिर सी का, कंटिन्यू एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन, एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन, एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर ओ आर ओ एच एनओ टू सबसे ज्यादा सी, फिर ओ आर और फिर ओ एच, माइनस आई का ऑर्डर कर रहे हैं, प्लस आई का करते तो इसका अपोजिट चल जाता, इज दैट क्लियर। यहां हमारे पास फ्री वैलेंसी यहां पर है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तीनों माइनस आई ग्रुप है, सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होगा, फ्लोरीन का, और जितना पास हो उतना अच्छा, तो सबसे अच्छा ए फिर बी और फिर सी, ये हमारे पास ऑर्डर है। अब यहां पर एक चीज की कमी हो रही है कि फ्लोरीन हमारे पास अच्छा ग्रुप है लेकिन दूर है, क्लोरीन उसके बाद सेकंड ग्रुप है वो थोड़ा पास है, और ब्रोमीन सबसे ज्यादा पास है, तो हमारे लिए कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग करेगा, पास वाला, बिल्कुल। तो एक होता है बहुत अच्छा दोस्त है लेकिन बहुत दूर है, अमेरिका रहता है, और एक है हमारा पड़ोसी, वो ठीक ठाक दोस्त है लेकिन पास में रहता है, तो हमारे अचानक तबीयत खराब होती है तो कौन काम आएगा, जो पास में है, तो पास वाला फैक्टर डोमिनेट करता है इसमें, और इसी कारण हमारा आंसर क्या होगा, ए फिर बी और फिर हमारे लिए क्या आएगा, सी। समझ में आ रही है बात,
दूसरी तरफ एनओ टू ग्रुप, सभी जगह एनओ टू ग्रुप जितना ज्यादा पास होगा माइनस आई उतना ज्यादा होगा, माइनस आई का ए फिर बी और फिर सी, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है? अब यहां पर कौन सा है, प्लस आई इफेक्ट, और ऑर्डर किसका पूछ रहे हैं हम, माइनस आई का, तो प्लस आई जितना दूर हो उतना अच्छा, सी फिर बी और फिर ए। कहीं कोई दिक्कत? सारे किसने सही बनाया इस बार? इस बार सबके सही है, चलो बढ़िया। तो लिखें इसको, हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हम पढ़ तो लिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, एप्लीकेशन नहीं होगी तो हमारा पढ़ना बेकार हो गया। तो हमें इनको कहां देखने को मिलेगा, उस चीजों को करते हैं एक एक करके। तो हेडिंग क्या डालेगा, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहली एप्लीकेशन, और वो हमारे लिए रहेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन यानी सी प्लस। जब भी कार्बन पे प्लस चार्ज आता है वो क्या बन जाता है, बोरोन, और बोरोन की कितनी वैलेंसी होती है, तीन। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है, तीन, तीन ही होती है नाइट्रोजन की, और एक लोन पेयर होता है पक्का। और अगर नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आता है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, चार, कार्बन बन जाएगा वो। तो आप ध्यान दीजिए, मैं कार्बन प्लस बनाऊंगा तो कितनी वैलेंसी बनाऊंगा, तीन, और कार्बन माइनस बनाऊंगा तब भी तीन, क्योंकि कार्बन माइनस नाइट्रोजन बनेगा। लेकिन अंतर क्या रहेगा, कार्बन माइनस के पास लोन पेयर होगा और कार्बन प्लस के पास लोन पेयर नहीं रहेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, तीन, कार्बन प्लस में, और कार्बन माइनस में कितने होंगे, तीन नहीं पांच होंगे, तीन तो वैलेंसी रहेगी और एक लोन पेयर होगा। अंतर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंतर है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो अलग होंगे लेकिन वैलेंसी दोनों में सेम होगी, एक में लोन पेयर होगा एक में नहीं होगा, तो दिमाग में अंदर तक बैठा के चलो। तो तीन वैलेंसी विदाउट लोन पेयर, समझ में आ रही है बात। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को हम ऐसे देखते हैं कि यार इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, समझ में आ रहा है, तो ये स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी इसकी, कोई इसको आके इलेक्ट्रॉन दे, इसके घर में चोरी हो चुकी है, बेचारा अच्छा खासा राजा हुआ करता था, चोरी हो गई, तो चोरी हो गई तो कोई देगा आगे तो सपोर्ट मिलेगा, ये थोड़ी ना कि कल चोरी हुई आज फिर कोई चोर आगे चोरी कर जाए, समझ में आ रही है बात। तो इस स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करेगी, हम इसकी स्टेबिलिटी पे बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन प्रोपोर्शनल प्लस आई, जितना ज्यादा प्लस आई होगा वापिस इसकी जो चोरी हुई है उसकी भरपाई हो जाएगी। किस चीज की चोरी हुई है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, इलेक्ट्रॉन की, समझ में आ रहा है। और माइनस आई, समझ में आ रहा है। तो कुल मिला के मैं ऐसे बोल सकता हूं, इसके लिए एक कहावत है, चोर चोर मोसेरे भाई, मोसेरे भाई आपने पढ़ा होगा, तो राजा राजा भी भाई है, सही है। तो चोर चोर मोसेरे भाई यानी कि प्लस को प्लस सपोर्ट करेगा, माइनस को माइनस सपोर्ट करेगा। इसका मतलब यह है प्लस को प्लस आई सपोर्ट करेगा, और सी माइनस को माइनस आई सपोर्ट करेगा। यानी प्लस आई इज स्टेबल बाय प्लस आई, कार्बोकेटायन इज स्टेबल बाय प्लस आई एंड कार्बो एनायन इज स्टेबल बाय माइनस आई। समझ में आ रही है, चोर चोर मोसेरे भाई, सेम चार्ज सेम चीज को सपोर्ट कर रहा है, यहां ऐसे समझना है।
समझ में आ रही है बात? अब आगे तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ गया है, तो हम अब इसको अप्लाई करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को, कौन सा ज्यादा होगा। इस पे एक एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं आपको, करिए कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो केटायन, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो केटायन फर्स्ट, यहां हमारे पास प्लस है, इस कार्बन पे प्लस है, समझ में आ रहा है? यानी इस कार्बन की वैलेंसी तीन है, बाकी की सबकी कितनी है? चार। समझ में आ रहा है? कोई पॉइंट नहीं है। अब मैंने यहां पर क्या करा, एक मिथाइल ग्रुप इस जगह और जोड़ दिया कॉर्नर पे, अब मिथाइल ग्रुप यहां जोड़ दिया और अब मिथाइल ग्रुप मैंने पास में जोड़ दिया, पहला एग्जांपल। दूसरा, यानी आपको कंपेयर करके बताना है ए बी सी में कौन ज्यादा है, बहुत आसानी से बता सकते हैं आप। इस बार मैंने फ्लोरीन जोड़ दिया, थर्ड फ्लोरीन क्लोरीन और एनओ टू ए बी सी, फोर्थ ए बी सी। तो ये चार एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर आपको कंपेयर करना है आंसर्स। देखिए सबसे पहले बताइए ए बी सी में कौन सा ग्रुप एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, मिथाइल ग्रुप जिसकी पोजीशन चेंज हो रही है, और मिथाइल ग्रुप अपने आप में कौन सा है, प्लस आई या माइनस आई, कौन सा ग्रुप है? प्लस आई, प्लस आई है, और प्लस आई प्लस को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। तो जितना पास हो उतना अच्छा, या जितना दूर हो उतना अच्छा? जितना पास हो उतना अच्छा, तो जितना पास हो उतना अच्छा। तो सबसे अच्छा पास क्या हो जाएगा? सी, फिर होगा बी, और फिर सबसे जाएगा ए, यानी सी बी ए में सबसे ज्यादा सी, फिर बी और फिर ए, समझ में आ रही है बात? अब ए बी सी के अंदर फ्लोरीन आपके पास आ रहा है, तो फ्लोरीन अपने आप में कैसा है? माइनस आई। तो माइनस आई प्लस के लिए अच्छी बात नहीं है, दुश्मन है, चोर और राजा दुश्मन होंगे, होंगे या नहीं होंगे? तो माइनस आई जितना दूर हो उतना अच्छा। तो माइनस आई सबसे ज्यादा दूर किस में? ए में, फिर बी में और फिर सी में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब फ्लोरीन क्लोरीन और एनओ टू में तीनों ही माइनस आई ग्रुप है, लेकिन प्लस चार्ज के लिए माइनस आई होना ही बेकार है, और आप जानते हो एनओ टू अपने आप में सबसे बेकार माइनस आई है। तो सी, फिर उसके बाद ए और बी, तो सी एनओ टू अपने आप में सबसे ज्यादा माइनस आई बेकार है, फिर उसके बाद फ्लोरीन और फिर उसके बाद क्लोरीन। तो माइनस आई जितना कम हो उतना अच्छा होता है, तो ये तो बेकार है, सबसे ज्यादा हो रहा है। अब देखिए यहां कौन सा आ रहा है, मिथाइल ग्रुप जुड़ता जा रहा है, मिथाइल ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप अपने आप में क्या है? प्लस आई है या नहीं है? तो प्लस आई ग्रुप जितना ज्यादा हो प्लस आई उतना ही अच्छा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास कौन है इस जगह, कंपेयर किसका कर रहे हैं? कार्बो केटायन का। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी, फिर बी और फिर ए। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको कार्बो केटायन में? कौन सा वाला, लास्ट वाला, थर्ड फ्लोरीन क्लोरीन एनओ टू, एनओ टू माइनस आई सबसे अच्छा है, तो एनओ टू की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? उल्टी, बी सबसे ज्यादा होगा। बिल्कुल सही है, ये मैंने ऑर्डर लिखा था माइनस आई का, और माइनस आई का ऑर्डर का अपोजिट हो जाएगा यहां पर स्टेबिलिटी, तो इसलिए हमारा आंसर चेंज होगा यहां पर। ठीक है, एनी अदर डाउट? सबने सही करें बाकी।
ओके लिखें इसको जल्दी से। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन ले रहे हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। हेडिंग डाल लीजिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। कार्बन पे माइनस चार्ज आती है वो क्या बन गया? नाइट्रोजन। लेकिन अंतर क्या है? कार्बन पे माइनस चार्ज अपने आप में तीन वैलेंसी रखेगा, लेकिन एक और चीज है कि वो अपने आप एक लोन पेयर भी रखेगा। तो उस कारण से ये कार्बन प्लस जितनी वैलेंसी तो रखेगा, लेकिन लोन पेयर की वजह से इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच होंगे, जबकि कार्बन प्लस के तीन थे। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो ये हमारे पास है। अब हो ये रहा है कि एक दो तीन वैलेंसी, ठीक है, हमें यहां पर कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो वो सारे फैक्टर जो उसके इलेक्ट्रॉन को निकाले वो स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, क्योंकि जिसके पास पहले ही बहुत सारा पैसा है उसे तो जितना निकलेगा दान करेगा उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी उसकी? बढ़ेगी। और हाल ये कहना चाहिए कि ना तो कैटायन स्टेबल होता है ना एनायन, न्यूट्रल स्टेबल होता है। कैटायन को इलेक्ट्रॉन दो, एनायन से इलेक्ट्रॉन लो, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। हाँ या ना? तो ये हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट आया, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन प्रोपोर्शनल माइनस आई और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई चलेगा। मैंने आपको पहले भी बोला चोर चोर मोसेर भाई, यानी सेम चार्ज अगर आपके पास एनायन है तो माइनस वाले सपोर्ट करेंगे और प्लस वाले को प्लस वाले सपोर्ट करेंगे। तो हमारा हिंट तैयार है, नेगेटिव आयन को माइनस आई सपोर्ट करेगा, सपोर्ट का मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। तो ये तो एक छोटा सा पॉइंट हुआ जो आपको दिमाग में रखना है। तो हम इससे बहुत आसानी से समझ सकते हैं स्टेबिलिटी के एग्जाम्पल्स पे। तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। ये हमारा एग्जाम्पल है। फर्स्ट आपको मेरे साथ ही करना है, यहां नेगेटिव चार्ज है, ए बी सी, दूसरा करते जाएं, इसको लिखते जाएं, ए बी सी। थर्ड एग्जाम्पल,
तो ये कुछ रैंडमली एग्जांपल लिए गए हैं, आपको ये बताना है इनमें ऑर्डर क्या रहेगा, ए बी सी, जल्दी से बताएं, सब एक साथ बताएंगे मेरे साथ, क्या ऑर्डर लग रहा है आपको इन सब में, ए बी सी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जोर से बोले, ए बी सी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, यहाँ ए लॉक कर दें, तो आंसर क्या होगा, ए फिर बी और फिर सी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मिथाइल ग्रुप आ रहा है, एल्काइल ग्रुप आ रहा है, और एल्काइल ग्रुप अपने आप में प्लस है, तो प्लस इनवर्सली जा रहा है, तो जितना ज्यादा आता जाएगा उतनी स्टेबिलिटी उल्टी कम होगी। नेक्स्ट एनओ टू ग्रुप आ रहा है, एनओ टू अपने आप में कैसा है, माइनस आई, अपन ने माइनस आई में कंसिडर किया है, तो एनओ टू जितने ज्यादा है उतना अच्छा, तो सबसे ज्यादा कौन, सी फिर बी और फिर ए, समझ में आ रहा है, तो ये आपके पास एनओ टू ग्रुप का हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल को करिए, कौन सा लग रहा है आपको, जल्दी से बताएं, ए बी सी में एनओ टू ग्रुप जितना पास हो उतना अच्छा, क्योंकि माइनस आई वाला है, माइनस आई वाला जितना पास होगा तो सबसे अच्छा कौन होगा, बी फिर ए और फिर सबसे ज्यादा कम सी, एनओ टू दूर है तीसरी पोजीशन पे। अब बात आ रही है माइनस, यहां कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा, बस हाइब्रिडाइजेशन चेंज है, तो यहां कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन पे एसपी, एसपी हाइब्रिडाइज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इज दैट क्लियर, तो सबसे ज्यादा कहां होगा, बी फिर ए और फिर कहां होगा, सी, आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट ए बी सी यहां पर हम कैसे देख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज, देखो यहां पर प्लस आई आ रहा है, जितना ज्यादा प्लस आई हो, क्योंकि अल्काइल ग्रुप प्लस आई हो रहा है उतना ही बेकार है, तो आपको क्या लग रहा है सबसे ज्यादा क्या है, ए बी सी के अंदर अगर देखने लायक है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सी फिर ए और फिर सबसे कम बी, क्योंकि इसके अंदर एल्काइल ग्रुप बहुत ज्यादा आ रहे हैं और प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा ज्यादा आ रहा है, प्लस आई माइनस को अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। एनओ टू सी एन एन एच टू तीनों ही माइनस आई वाले हैं, अच्छी बात है, पोजीशन सेम है, दूसरी अच्छी बात है। अब सबसे ज्यादा माइनस आई कौन है, ए फिर बी और सबसे कम कौन है, सी, तो यही उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी। बोलो यस और नो, कोई दिक्कत, यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां माइनस है, एक तरफ प्लस आई है, दो जगह माइनस आई है, और माइनस आई में कौन ज्यादा है, सी एल वाला, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, बी फिर सी और ए सबसे कम, क्योंकि वो तो उल्टा प्लस आई है, वो तो स्टेबिलिटी को कम करेगा, ये दोनों तो बढ़ाएंगे और ये कम करेगा, तो ये हमारे सारे आंसर हो गए। सारे किसके सही हैं, सब सही है, फोर्थ वाला गलत हो गया। अब समझ में आ गया, एक बार और समझाना है, यहां एसपी हाइब्रिडाइजेशन है और एसपी हाइब्रिडाइजेशन पर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और पॉजिटिव होता तो अपोजिट हो जाती है, समझ में आ रहा है, पॉजिटिव होता तो अपोजिट हो जाती, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बी फिर ए और सी, एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है और पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। कुछ समझ में आया, ठीक है, लिख लें इसको। देखिए हमने अभी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन करा है और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन करा है, अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो लिख लीजिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या होता है, सी डॉट, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चार, तीन बॉन्डिंग में आ चुके हैं और एक अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है, अगर बॉन्डिंग में आ चुके हैं और बॉन्ड बन चुका है तो ये अपने आप में कितने कहलाएंगे, दो दो चार दो छह और एक सात, फ्री रेडिकल के अंदर, यह सुनो, तो दो दो चार दो छह, यानी इसके बाद हम बोल सकते हैं बॉन्ड पेयर कितने हैं, तीन, और फ्री रेडिकल कितने हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक, और लोन पेयर कितने हैं,
जीरो, पक्का? इतना तो आप भी जानते हो कि यहां पर ये प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है इसकी शेप इस तरह की, फिर रेडिकल की बिल्कुल प्लेन में, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके अंदर और ऊपर और नीचे मिला के एक इलेक्ट्रॉन होता है पूरा। यानी मान लीजिए ये प्लेन में है तो ऑर्बिटल इस तरह होगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है कंटिन्यू, समझ में आ रहा है? तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है, ये आपके पास फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल अपने आप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच? डेफिशिएंट, क्यों? क्योंकि उसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पॉइंट वाइज लिखते जाओ, फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल बोला जाए सही रहेगा, फ्री रेडिकल इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, सो इट कैन बी कंसिडर एज कार्बोकेटाइन। हम इसको कार्बोकेटाइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि कार्बोकेटाइन भी फ्री रेडिकल की तरह ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यस और नो? कार्बोकेटाइन में अंतर क्या है कि आप अच्छे से जानते हो, कार्बोकेटाइन में खास बात क्या है? बस ये है कि इसका ऑर्बिटल खाली है। तो टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो, दो चार, दो छः, जिसमें तीन उसके खुद के होंगे और तीन बाहर। तो अंतर क्या है यहाँ पर? यहाँ पर छः हैं, यहाँ पर सात हैं। दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन चाहिए ड्यू टू कंप्लीट ऑफ ऑक्टेट। तो यानी कि हम यहां पर क्या करेंगे, इसको भी क्या मानेंगे, इस कार्बोकेटाइन की तरह ट्रीट करेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल प्रोपोर्शनल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल प्रोपोर्शनल प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस आई एंड माइनस आई। तो इसके एग्जाम्पल करते हैं, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल फर्स्ट ये हमारे पास हो गया ए बी सी। एक और एग्जांपल करते हैं हम, ये हो गया ए बी सी। एक और एग्जांपल करते हैं हम, ए बी सी ए बी सी। आपको मुझे यहां बताना है कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहला आंसर्स क्या रहेगा इसका आंसर ए बी सी में? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा ए बी सी में? देखिए मिथाइल ग्रुप सबसे पास इसमें है, ए फिर सी और फिर बी, क्योंकि एल्काइल ग्रुप अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर।
प्लस जितना पास हो उतना अच्छा, और माइनस जितना दूर हो उतना अच्छा। यहाँ NO2 है, NO2 अपने आप में क्या है, माइनस आई, तो जितना दूर हो उतना अच्छा। यहां क्या है, CH3 है, CH3 जितना पास हो उतना अच्छा, समझ में आ रही है। यहां NO2 है, लास्ट में फ्लोरीन है और CHO है, सबसे ज्यादा माइनस आई किसका है, NO2 का, तो उतना ही बेकार है। तो ए, फिर उससे अच्छा कौन होगा, सी, और फिर बी, क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट इन तीनों के कंपेयर में सबसे कम है, सबसे ज्यादा NO2, फिर CHO, फिर फ्लोरीन, आपको याद है, बस यही आपका काम है यहाँ पर ध्यान रखना और इसको करना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा यहाँ पर, बी, जबकि बच्चा गलत करेगा इस जगह, चांसेस है ना, फ्लोरीन को डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के आधार पर करेगा, जबकि हम किसके आधार पर करते हैं, पूरे ग्रुप के आधार पर, बेसिस ऑन द कंप्लीट ग्रुप। तो ये आपको फ्री रेडिकल हो गया, आ रही है बात समझ में, लिखें इसको। अगला पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो है कंपेयर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरह से वर्क करती है, पहले तो एसिड समझिए, यानी हमारी अगली पॉइंट होगी एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी ऑफ स्ट्रेंथ, ये हमारी कौन सी एप्लीकेशन है इसकी, फोर्थ नंबर की, समझ में आ रही है बात, फोर्थ नंबर की। सबसे पहले कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, कार्बो एनायन, फिर फ्री रेडिकल, और अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी या एसिडिटी ऑफ एसिड, डायरेक्टली एसिडिटी ऑफ एसिड भी ले, नहीं बेटा देखो एसिड जो होता है ना, इसके लिए बात मैं कर रहा हूं, एसिड के लिए दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है एसिड के लिए बेसिसिटी और एक एसिड के लिए एसिडिटी। बेसिसिटी का, एसिड के लिए बेसिसिटी का मतलब होता है कि उसका एक मॉलिक्यूल कितने एच देता है, नंबर ऑफ एच प्लस आयन कैन बी गिवन बाय वन मॉलिक्यूल। यानी अगर आप देखते हो तो HCPO4, H2SO4 और HNO3 के लिए बेसिसिटी क्या होगी, ये तीन दे सकता है, ये दो दे सकता है, और ये कितना दे सकता है, एक। ये तो है एसिड के लिए बेसिसिटी, और एसिड के लिए एसिडिटी का मतलब होता है कि वो H+ कितनी आसानी से देता है, यानी उसमें अगर आपने लिया है, समझना कितनी आसानी से दे रहा है, यानी कि आप ये तो समझते हैं कि कोई भी एसिड जब H+ देता है तो एनायन बनाता है और उसके साथ वो रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम रखता है, अगर पूरा आसानी से देगा तो 100% रिएक्शन फॉरवर्ड में हो जाएगी, थोड़ा सा कम 99.99, 99.8 ऐसे कम होती चली जाती। तो ये वो एसिड है जो तीन दे सकते हैं, लेकिन देने में, एक देने में भी नाटक करता है, समझ में आ रहा है, नाटक करता है मतलब इतनी आसानी से नहीं दे पाता। तो एसिडिटी का मतलब होता है, एसिडिटी ऑफ एसिड का मतलब होता है, इट इज द टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटोन, प्रोटोन का मतलब H प्लस, इजीली, समझ में आ रहा है। तो अगर हम बात करें H3PO3, PO4 और H2SO4, ये आसानी से देगा, ये प्रैक्टिकल डाटाबेस है, ठीक है ना, आप प्रूफ कर सकते हो, उसके बाद थ्योरी बन जाएगी, जबकि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है,
सीधा, मॉलिक्यूल को देखते ही आइडिया लग जाता है हमारे को, तो हमें बहुत ज्यादा थ्योरी की जरूरत नहीं होती। जितने ओएच लिंकेज होंगे उतनी उसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी। ओएच लिंकेज यहां पर कितने ओएच लिंकेज है, तीन, यहां कितने, दो, सल्फर से दो ओएच ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहां पर एक। CH4 एक अच्छा एसिड नहीं है क्योंकि उसमें OH ही नहीं है, सारे हाइड्रोजन बेकार हैं, तो CH4 के लिए बेसिसिटी कितनी होगी, जीरो। समझ में आ रहा है? तो एक आसान भाषा में मैं आपको एसिडिटी बेसिसिटी बता दिया। आज मेरे पास दो एसिड है, HCPO4 और एक H2SO4, दोनों एसिड है, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसा हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया बेसिसिटी क्या होगा, तो भले ये वीक है लेकिन इसके पास तीन OH लिंकेज हैं, तो ये तीन दे सकता है। बस सामने वाले में एबिलिटी होनी चाहिए खींचने की, ताकत इसकी तो देने की इच्छा नहीं है, लेकिन सामने वाला खींचे तो ये तीन दे सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये हमारे लिए कॉन्सेप्ट्स है, तो ये तो थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट्स है, तो इसके लिए तो हमारे को कोई इफेक्ट की जरूरत ही नहीं है, ये प्रैक्टिकल इफेक्ट है, इसके लिए थ्योरीज बन रही है। समझ में आ रही है बात? तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो पहले तो ये समझ लीजिएगा कोई भी एसिड हो रहा है वो HA एसिड है। H देने के बाद यानी H प्लस को देने के बाद वो क्या बनाएगा, A माइनस, क्या बनाएगा, A माइनस। समझ में आ रही है? तो यहां जो A माइनस बनता है उसकी स्टेबिलिटी यानी जितनी ज्यादा होगी उतना रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, नहीं तो बैकवर्ड में आने लग जाएगी। तो आप क्या बोल सकते हो यहां पर, एसिडिटी का मतलब हो गया एसिडिटी ऑफ एसिड, इसका मतलब हो गया स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, और वो सीधा सीधा किसके प्रोपोर्शनेट में है, स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस, स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस। इज दैट क्लियर, पक्का? तो ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस, क्योंकि मेरे पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो मैं ये बात पे डिपेंड करूंगा मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, और दूसरा साइज क्या है, साइज बड़ा होने के साथ डिस्पर्ज हो जाता है। समझ में आता है? और चार्ज जितना फैल जाए स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती है। तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं अगर सिंगल एटम स्पीशीज है तो, और आप इस तरफ जा रहे हैं यानी कि ये क्या है, पीरियड है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आंसर देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस बढ़ेगी। बोलो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो एसिडी की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी ना ए माइनस के लिए, अगर वो एटम है तो, और ग्रुप है तो अपन माइनस आई से कंपेयर करेंगे अभी, और लेकिन जब ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आंसर नहीं देना, किससे देना है, साइज से। तो साइज जितनी बढ़ेगी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस, और एसिडी की स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? ग्रुप के अंदर साइज से, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो ये तो हमारे पास आ गया, लेकिन अगर कोई कंपाउंड, कोई एसिड में ए अपने आप में एक एटम नहीं है, अभी तो एटम था, बड़ा सा ग्रुप है जिसमें NO2 या COOH मतलब कुछ भी ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो फिर कैसे कंपेयर करेंगे, उसके लिए हमें इंडक्टिव इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो तीसरा फैक्टर हो गया हमारे लिए और वो है इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप ही बता लीजिए नेक्स्ट, जो हमने अभी तक पढ़ा है एसिडिक स्ट्रेंथ
किस किस के प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल है, साइज ऑफ एनायन, एनायन बनेगा उसके प्रोपोर्शनल है, और माइनस आई के भी प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली किसके होगा? प्लस आई। ये हमने फैक्टर करा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज ऑफ एनायन, माइनस आई, दस। कुछ समझ में आया? बोलो यस और नो। तो मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहता हूं कि क्योंकि ये रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम है, क्या बोल रहे हो? इक्विलिब्रियम है, तो कहीं ना कहीं हम इसके लिए जब एच ए एच प्लस प्लस ए माइनस लिखते हैं तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के ए। आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ेंगे के ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होती है। क्या होती है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जितना ज्यादा ए माइनस बनेगा उतना ही ज्यादा एच प्लस बनेगा, और जितना ज्यादा एच प्लस बनेगा उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। या सुनो, तो आप मुझे बताइए कि कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोल सकता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं के ए के भी प्रोपोर्शनल है। के यहां पर क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कांस्टेंट ऑफ एसिड ये है के ए, एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है? तो हमारे लिए एक दो तीन चार और एक के भी दे दिया जाए तो के से भी हम कंपेयर कर सकते हैं, पांच। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट? एक और टर्म होती है और उसका नाम है पी के ए। जो आदमी रात को ज्यादा पी लेता है उसको बोलते हैं पी के ए फॉर आदमी। तो पी के ए यानी पी के ए क्या होता है? माइनस लॉग के ए। तो के ए जितना ज्यादा होगा पी के ए उतना क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि ये माइनस में चलता है, के ए ज्यादा तो ये माइनस की वजह से पी के क्या हो जाएगा? कम। तो इससे एक और पता चल रहा है आपको कि एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल वन अपॉन पी के हो जाएगा, के और पी के इनवर्सली चल रहे हैं। तो कुछ समझ में आ रहा है आपको? बोलो यस और नो। पी के का मतलब होता है, पी का मतलब माइनस लॉग, और के तो के जितना ज्यादा होगा माइनस होने की वजह से वो वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी? कम, खत्म बात। तो के ज्यादा तो पी के कम, पी के कम एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, पी के कम के ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। समझ में आ रहा है? बोलो यस और नो। तो अब फाइनली आपके पास इतने सारे पॉइंट्स हो गए कि आप आराम से बता सकते हो कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो कुछ एग्जांपल कर रहे हैं हम, अल्टीमेटली हमें काम तो एग्जांपल से ही चलेगा। हमने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों ही तरह के एसिड्स के लिए थ्योरीज लिखी हैं। करें शुरू, तो कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ एग्जाम्पल फर्स्ट। शुरू करूं मैं, आप मुझे बताइए सी एच फोर एन एच टू एच टू ओ और एच एफ क्या कंपेयर कर सकते हो आप इसके अंदर आंसर्स ए बी सी डी? पहले तो ये देखिए, ये जितने भी एसिड दिए हैं वो ग्रुप वाले हैं या पीरियड वाले हैं? पीरियड वाले, सेम पीरियड है। लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि बनाएंगे तो ये एनायन, हमें एनायन से कमेंट करना होता है हमेशा, किससे करना होता है, एनायन से। आप ही बताएं कि इसका एनायन क्या होगा, सी एच सी माइनस, एन एच माइनस, ओ एच माइनस और एफ माइनस। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी ऑफ एनायन, पीरियड के अंदर क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एफ माइनस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी ये ज्यादा ज्यादा एनायन बनाएगा, और जब एनायन बनेगा तो साथ के साथ एच प्लस भी बनेंगे। ऐसा तो नहीं अकेला एनायन ही बनेगा, हमेशा साथ के साथ क्या बनाएगा, एच प्लस भी बनाएगा, एनायन बनेगा साथ के साथ एच प्लस। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा कौन होगा ए बी सी डी में, ए फिर बी फिर सी और सबसे कम डी। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इतना स्टेबल नहीं है, आप समझो बात को, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। तो ये तो इतना कम एसिडिक है, इतना कम एसिडिक है कि ये बनाएगा ही नाम के बराबर, मतलब 10^24 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल ऐसे टूटेगा, तो सोचो कितना कम एसिडिक है, समझ में आ रहा है। आप इसको शायद प्रैक्टिकल मेजर भी नहीं कर पाओगे नॉर्मल कंडीशंस में। एक और एग्जांपल, आपने ले लिया एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, ए बी सी डी, क्या ये एक ही पीरियड से हैं या एक ग्रुप से, ग्रुप से हेलोजन ग्रुप से, तो इनके एनायन क्या होंगे आंसर निकालने के लिए, जब एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस, तो आप जानते हो स्टेबिलिटी क्या होगी इनकी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखनी है, यहां डोमिनेटिंग कौन है, साइज, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ग्रुप में साइज देखेंगे, डन। तो जब साइज देखेंगे तब आंसर क्या होगा आपका, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे वीक होगा एच एफ, फिर एच सी एल बहुत स्ट्रांग, एच बी आर और भी ज्यादा, और एच आई तो इतना ज्यादा होता है कि ये तो एच टू एस ओ फोर से भी ज्यादा होता है, इतना होता है, मतलब आप सोचो, रहने दो मत सोचो, ठीक है, आ गई बात समझ में, समझ लो। अब एक और एग्जाम्पल, थर्ड, एच सी डबल ओ एच, सी एच सी, सी डबल ओ एच, सी टू एच फाइव, सी डबल ओ एच, कंपेयर करना है ए बी सी, आंसर इनके एनायन बना के देखोगे, एच सी डबल ओ माइनस, सी एच सी, सी डबल ओ माइनस, सी टू एच फाइव, सी डबल ओ माइनस, सही जा रहे हैं हम। तो जब हमारे को एनायन मिल रहे हैं, अब ये कोई एक एटम तो नहीं है, यहां पर क्या देखना पड़ेगा इफेक्ट आपको, प्लस आई माइनस आई, तो यहां तो प्लस आई ऑर्डर दिख रहा है, क्यों, क्योंकि एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, तो प्लस आई का ऑर्डर क्या होगा, बढ़ता जा रहा है, और प्लस आई से एनायन की स्टेबिलिटी इनवर्स होती है, ये तो प्लस आई ऑर्डर हो गया, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर क्या होगा, ए फिर बी और सबसे कम कौन होगा, सी। तो आप ए बी सी की बात कर रहे हो, फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा होगा, फिर एसिडिक और फिर प्रोपेनोइक एसिड, प्लस आई जितना ज्यादा होगा एनायन की स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। मैंने आपको पहले ही बोला है एनायन को कौन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, माइनस आई, प्लस आई तो उसकी स्टेबिलिटी और कम कर देते हैं। तो यहां आंसर आपको अब क्या देना पड़ेगा, 10, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, सम्मी में ऑक्सीजन पे, सेम पीरियड सेम ग्रुप, चेंज हो ही नहीं रहा है, तब आपको आंसर प्लस आई और माइनस आई के बेसिस पे देना होता है। ऑर्गेनिक में तो सी डबल ओ एच ग्रुप ही आएगा आपको, तो वहां पर इसी तरह से जाएगा आपका। तो चलिए थोड़ा सा एक दो एग्जांपल और करके हम अपनी क्लास ब्रेक लेंगे,
एक और थर्ड एग्जांपल, सी एच सी सी डबल ओ एच ए, सी सी एल थ्री सी डबल ओ एच बी, सी एफ थ्री सी डबल ओ एच सी। कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ। अब सीधा सीधा देख लो यहां ग्रुप क्या है, माइनस आई जा रहा है, तो माइनस आई ग्रुप का ऑर्डर क्या रहेगा, सी एफ थ्री सबसे ज्यादा माइनस आई होगा, हाँ या ना, पक्का। और माइनस आई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसको, एनायन को बनने वाले, तो डायरेक्ट लिख दूं एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिटी का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड के लिए एसिडिटी का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, बेस के लिए बेसिसिटी का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ, एसिड के लिए बेसिसिटी का मतलब कितने ओएच लिंकेज हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। इनके अंदर बेसिसिटी अगर पूछी जाती तो कितनी होती, एक 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 एक, सब में एक ही ओएच है, तो फिर क्या कंपेयर करोगे, सबके लिए एसिड के लिए बेसिसिटी सब में क्या है, बराबर है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है। हम थ्योरेटिकल नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल। समझ में आ रही है बात, तो एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, यही, यानी ए से ज्यादा बी, बी से ज्यादा सी, माइनस आई ऑर्डर ही। समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, अच्छा लग रहा है, इजी है। एक और एग्जांपल फोर्थ, सी एच सी सी डबल ओ एच, सी एफ थ्री सी डबल ओ एच और एच सी डबल ओ एच ए बी सी। तब आप आंसर लिखते वक्त क्या लिखोगे, यहां पर प्लस आई, माइनस आई और न्यूट्रल, कोई इफेक्ट नहीं है, नन। समझ में आ रहा है, तो अब आप देख लो बनेगा तो एनायन, एसिड क्या बनाते हैं, एनायन ए माइनस बनाते, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एनायन सी एफ थ्री, माइनस आई इफेक्ट देगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, बी, फिर सी और फिर ए। अच्छे समझ में आ रहा है, ये हमारे पास पॉइंट्स है, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। तो ऐसे कितने ही एग्जांपल हो सकते हैं एनायन की स्टेबिलिटी वाले, जो भी ऑर्डर थे वही सारे एग्जांपल मैं यहां पर ले सकता हूं। मैंने एग्जांपल ले लिया सी डबल ओ एच एनओ टू, सी डबल ओ एच क्लोरीन ए बी और सी डबल ओ एच एनओ टू सी। पहले डिस्टेंस फैक्टर देखोगे आप तो आपको क्या लग रहा है, माइनस आई सबसे ज्यादा डोमिनेट किसमें करेगा, सी में, फिर NO2 बहुत अच्छा ग्रुप है लेकिन दूर है, Cl उतना अच्छा ग्रुप नहीं है लेकिन पास है, तो पास वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, तो C के बाद B और B के बाद A। समझ में आ रहा है आंसर, ऐसे आपको भी निकालने पड़ेंगे, ये इनके क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, कर लोगे पक्का। तो चलिए एक लास्ट एग्जांपल हम कर रहे हैं, मैच द कॉलम आपको लेना है, कॉलम ए कॉलम बी या फर्स्ट और सेकंड, मान लो फर्स्ट सेकंड, ए सी एस सी सी डबल ओ एच, ये है एसिड्स और कॉलम बी में है पी के ए वैल्यू, क्या पी के ए बी एस सी डबल ओ एच सी, सी एफ थ्री सी डबल ओ एच डी, सी टू एच फाइव सी डबल ओ एच, पी के ए की वैल्यू मैंने मान लिया, मैं रैंडमली ले रहा हूँ, 1.2, 2.3, 3.4, 4.5, पी क्यू आर एस, पी के दे रखा है। आप मुझे बताओ इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, इन सब में सी, तो सी के लिए
के की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी क्योंकि सबसे स्ट्रांग है, और पी के की वैल्यू सबसे कम होगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा, जल्दी बताएं, इसका आंसर क्या जाना चाहिए, सबसे कम कौन सी है, पी। समझ में आ रहा है? फिर सेकेंड नंबर पे कौन आएगा इन सब में, एच सी डबल ओ एच, तो इसका आंसर क्या जाएगा, क्यू। इज दैट क्लियर? इसका आंसर क्या जाएगा, क्यू, क्योंकि ये सेकेंड नंबर का है। इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रांग है, ये। तो इसके लिए पीके की वैल्यू कौन सी जाएगी, पीके, यानी जितना कम पीके होता है एसिड उतना ही स्ट्रांग होता है, तो 3.4 R। तो बचा हुआ आंसर क्या हो जाएगा, एस। एक बार और समझाना है ये, एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया समझ में? तो ये मैच द कॉलम भी आपको सपोर्ट करता है इस तरह के क्वेश्चंस में। अब इनको लिख लीजिए,